गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर मोहित शुक्ला में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप भी अपने घर में किस प्रकार ऑर्गेनिक बैंगन को छत पर छोटी सी क्यारियों में भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बैंगन हमारे घर पर लगे हुए हैं, ये बड़े वाले गोल बैंगन हैं, ये बड़े हैं, अभी भी इसमें काफ़ी सारे लग रहे हैं बैंगन, काफ़ी घना पौधा है हमारा। ये इस तरफ भी आप देखेंगे, ये हमारे घर पर एक कूलर की पुरानी टंकी थी जिसमें मैंने कुछ मिट्टी डाल करके और पौधे लगा दिए थे। बैंगन एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें बस प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सबसे बड़ी आती है, वो आती है इसमें कैटरपिलर की। इसमें दो प्रकार के कीड़े मुश्किली लगते हैं, एक जो फल में छेद कर देते हैं, दूसरा जो इसकी स्टेम्प में लगते हैं। और ये स्टैम्प यहाँ से जहाँ पर जब कैटरपिलर इसके अंदर जाता है तो यहाँ से स्टैम्प जो है वो झुक जाती है और वो ख़राब हो जाती है। हालांकि मैंने इन प्लांटों पे कोई भी ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि जब इन बैंगनों पर छोटे छोटे कीट होते हैं तो उनको खाने के लिए कई प्रजाति की बर्ड्स आती हैं जो कि हम लोगों को रियर ही देखने को मिलती हैं सिटीज़ में। इसमें सबसे मेन है टेलर बर्ड, ओरिएंटल वाइट आई, और भी गौरैया तो मान के चलिए हमेशा ही रहती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है जब से मैंने ये बैंगन के पेड़ लगाए हुए हैं तब से इन पे ओरिएंटल वाइट आई बहुत आने लगी हैं, और वो छोटे छोटे कीटों को ही खाती हैं बर्ड्स। तो शुरुआत में तो काफ़ी बैंगन डैमेज होते थे, पर जब से वो बर्ड्स आना शुरू हुई हैं तब से बैंगन में कीड़े कम लगने लगे हैं। इस टंकी में हालांकि मुझे पौधे केवल दो ही लगाने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास प्लांट्स एक्स्ट्रा थे तो मैंने कहा फेंकने से अच्छा है इसको लगा देता हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्लांट इतना ग्रो करेगा। इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये एंगल रखा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रूट्स हैं कि प्लांट जो है वो झुक जाएंगे। इसमें तीन तरह के बैंगन लगे हुए हैं, एक ये है, एक आपको शायद ये दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला बैंगन है, और एक अभी इसमें लगा नहीं हुआ है, वो बैंगन ब्लू कलर का ही है, छोटा आकार का। कुछ एक पेड़ मेरे पास एक्स्ट्रा था जिसको मैं फेंकने जा रहा था, तो मैंने कहा इस पेटी में लगा देता हूँ। तो ये देखिए, इस कितनी छोटे से पेड़ में ही देखिए कितना बड़ा बैंगन लगा हुआ है। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि आप भी बैंगनों के लिए क्या कर सकते हैं छत पर। देखिए, अगर आपके यहाँ बैंगन लगाने के लिए सबसे अच्छा है कि आपके यहाँ जो पेंट की बाल्टी होती है 20 लीटर की, आप उसको लें, उसमें 70% खेत की मिट्टी लें और 30% उसमें सड़े गोबर की खाद हो। अगर वो ना मिल पाए तो 30% उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल करके और पौधे को लगा दीजिए, और उसमें समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। बाद बाकी इसको कोई ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है, और 15 से 20 दिन में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ही इसमें डाल दिया कीजिए। इसमें जो हमारी टंकी है, इसमें जो मिट्टी भी है
वो भी कोई बहुत अच्छी मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारी पानी की टंकी में जो बालू निकलती है वो पड़ा हुआ है इसमें। लेकिन फिर भी मैं जो गार्डन में जो सूखी पत्तियाँ होती हैं मैं उनको डाल देता हूँ इसमें, तो उससे एक अच्छा कंपोस्ट बन गया है। और इसमें एक चीज़ और भी आप डाल सकते हैं, जो घर में सरसों की खलिया होती है जो बाज़ार में मिल जाती है, उसको भी हम लोग थोड़ी सी मात्रा में डालेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ये ग्रीन वाले बैगन हैं, यह वह तीसरी वैरायटी है बैगन की जो मेरे गार्डन में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने कितने छोटे से कैरेट में लगाया हुआ है, और इसमें दो प्लांट लगे हुए, कितने छोटे प्लांट होने के बावजूद इसमें बहुत बैगन दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बैगन की जानकारी और हमारे बैगन के पौधे अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियो अपलोड करता रहूं। थैंक यू।